हाय, आई एम राहुल फ्रॉम पार्टी आइडियाज़। आज मैं खड़ा हूँ एक प्राइवेट फार्म हाउस पे और यहाँ हम सेटअप करने वाले हैं मुंडन सेरेमनी डे। फार्म हाउस पे एक फ़ायदा ज़रूर मिलता है कि आपको वेन्यू बहुत जल्दी मिल जाता है, मतलब आप 2-3 दिन पहले भी वेन्यू लेकर इसको कितना भी बड़ा सेटअप हो हफ्ता पहले भी ले सकते हो। तो मैं 2 दिन पहले मैंने वेन्यू लिया है और इसको हम रेडी करेंगे। तो मैं आपको अलग अलग एरिया दिखाऊँगा, कहाँ पर हम एंट्रेंस बना रहे हैं, कहाँ पर हम मेन बैकड्रॉप बना रहे हैं जहाँ पर मुंडन होना है, और किस जगह हमने हवन का एक सेटअप दिया है, और कहाँ सिटिंग होनी है, कहाँ फूड का एरिया बनना है। सारे एरियाज में बारी बारी आपको दिखाऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। ये है एंट्रेंस का एरिया, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। तो आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा वर्क स्टार्ट हो गया है एंट्रेंस के लिए। तो ऑब्वियसली ये कूलर यहाँ नहीं आएगा, ये अभी अनलोडिंग हो रही है और सेटअप भी अभी इनकम्प्लीट है, हाफ है अभी हुआ है। और ये पैसेज एरिया जिसको हमने डेकोरेट करना है, अभी ब्लैंक है सारा। इसके साथ ही मैं आगे लेके जाऊंगा आपको। ये है वो एरिया जहां पर हमने हवन का एक पंडाल बनाना है, हवन के लिए एरिया दिया है इनको, जहां पर गद्दे वगैरह मैट्रिस वगैरह आएंगे और हवन यहां पर होगा। तो ये वाला एरिया देख रहे हैं, इसके साथ ही सामने पूल दिख रहा है, वहां भी लेके चलता हूं आपको। इस एरिया में अमृतवाणी पाठ होना है जी। तो ये अभी बन रहा है स्टेज वगैरह, यहाँ पर सिंगर्स ने आना है जो पाठ करेंगे, और सिटिंग देनी है हमने यहाँ पर 40-50 लोगों की सिटिंग है। फिर हमें इसके साथ ये आप देख रहे हैं चेयर्स वगैरह जो लगनी है यहाँ पर, स्टॉक करके रखी है हमने। ये एरिया है पूल साइड पे सिटिंग देनी है हमने, और सामने आप देख रहे हैं जहाँ पर वो स्ट्रक्चर पड़ा आयरन का, वो आएगा फूड एरिया, वहाँ पर बफे हमने प्लेस करना है। पूल में पानी आएगा जी, पूरा फिल करेंगे इसको। क्योंकि गर्मी है, धूप है, तो हमने इसको पूल साइड पार्टी टाइप रखा है, सो दैट के गर्मी धूप का ज़्यादा इम्पेक्ट ना पड़े। बाहर लॉन में नहीं किया इतना। तो अब देखिए जितना हो सके हम नियर टू पूल सिटिंग दे रहे हैं, और उस साइड पे हमने ये है एरिया जहाँ पर हमारा मुंडन होना है, मुंडन का एरिया है। ये है एरिया जहाँ पर फ्लोरल वर्क हो रहा है, सामान साइड पे कर रहे हैं, और यहाँ पर पैनल पड़ा है, जैसे इसको हमने मेन बैकड्रॉप पे लगाना है। ये आप देख सकते हैं मेन, ये वो एरिया जहाँ पर मुंडन सेरेमनी होनी है। तो आप देख सकते हैं बैकड्रॉप ऑलमोस्ट रेडी है, इसके आगे गद्दे वगैरह आ रहे हैं, और ये साइड पे थोड़े सोफे लगाए हैं। ये है फोटो जो मेन बैकड्रॉप के पीछे आएगा, ये जिसका मुंडन है उसके फादर की फ़ोटो है। ये बहुत, जब उनके फादर का मुंडन होता है उस टाइम की फ़ोटो है। तो ये बहुत ही इमोशनल फूड एरिया, ये भी जैसे जैसे अब कलर आने लग गया इसमें, और ये पूल में भी पानी भर रहा है अभी। मीनवाइल हमारा जो मेन बैकड्रॉप है मुंडन का, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट पे है अभी। बाकी अभी थोड़ा फ्लोरल वर्क इसमें रहता है, ये भी होने वाला है। अभी डाइनिंग एरिया,
बाहर का भी आपको व्यू दिखाता हूँ, बाहर क्या क्या कंप्लीट हुआ है अभी तक। पर अब बन रहा है हमारा बैकड्रॉप जिस पे फ्रेश फ्लावर का वर्क हो रहा है। हैंगिंग अभी हमारी कंप्लीट हो गई है, तो इसका आउटलुक देख सकते हैं आपका कितना अच्छा आ रहा है। यहाँ पर अल्फाबेट लगने वाला है सर्वत्र, जिनका मुंडन है उनका नाम है ये। तो ये थोड़ा सा डैमेज हो गया अनलोडिंग में, तो इसको सेट करके हमने लगाना है। ये हमारा कंप्लीट लुक आप देख सकते हैं, डिटेलिंग। ग्रीन के साथ वाइट का और गोल्ड का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। ये पैसेज को हमने लाइट वे में ट्रीट किया है। और अब हम आ गए हैं पूल के पास। पूल साइड पे सिटिंग कंप्लीट है जी। इसके बाद अब आएगा इस पे सेंटर टेबल प्रॉप्स और एरिया कंप्लीट हो जाएगा। आप देख रहे हैं फूड का एरिया भी कंप्लीट। ये अब कंप्लीट हो गया हमारा एरिया जहाँ पर अमृतवाणी होनी है। ये कंप्लीट लुक है। ये हो गया हमारा हवन एरिया, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।
थैंक यू सो मच।